हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर किसी का हेयर काफ़ी वेवी एंड डैमेज है साथ के साथ, तो ऐसे में आप कौन सा कटिंग करके दें जिससे कि लेंथ भी उनकी ज़्यादा रिड्यूस ना हो और एक अच्छा प्यारा सा लुक भी निकल के आ सके। तो बालों को अच्छा स्टाइलिश लुक देने के साथ साथ जो भी बालों में प्रॉब्लम है उसे आप किस तरीके से ट्रिम करके निकाल सकते हैं, आज की इस वीडियो में सारा प्रोसेस मैं करके बताने वाली हूँ। लेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है बालों की, मीडियम लेंथ है, बट इन्हें ये था कि शॉर्ट नहीं होने चाहिए, ऐसे कट करो। तो जब भी ऐसे काफ़ी डैमेज एंड फ्रीजी हेयर क्वालिटी हो तो आप क्या करें, उसमें या तो थोड़ा सा शॉर्ट फेदर लेयर लेज़र कर दें या फिर आप उसमें स्टेप्स कट डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब स्टेप्स कट का मतलब ये नहीं कि हेयर शॉर्ट हो जाएंगे, मैं जो तरीका बता रही हूँ बस आप ये तरीका फॉलो करिए। तो सबसे पहले टॉप एरिया से हेयर को मैं ले रही हूँ, अच्छे से कोम करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है और इसे 90 डिग्री एंगल पे हम मेज़र करेंगे। इस तरीके से देखिए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसको मैं शोल्डर से थोड़ा नीचे रख के कट करूँगी। देखिए कैसे करना है, पहले 90 डिग्री पे रखने के बाद शोल्डर से नीचे ला रही हूँ, क्योंकि अभी तो हेयर गीले हैं तो थोड़े सीधे ही दिख रहे हैं, लेकिन जब हेयर ड्राई हो जाएगा तो और वेवीनेस जब आ जाती है तो हेयर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो इसी वजह से शोल्डर से थोड़ा नीचे से कट करोगे, ड्राई होने के बाद वो शोल्डर के पास से दिखेगा स्टेप्स। तो बराबर कट कर दी हूँ, हमारा गाइडलाइन अच्छे से रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड सेक्शन डिवाइड करना है। तो आप क्या करें, दोनों तरफ ऐसा फिंगर को रखें और ऐसा गोलाई से हेयर को निकाल लें। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, इजिली सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हम टॉप एरिया का लेके गए थे वैसे ही इसको भी कोम करेंगे और अच्छे से रूट से कोम करते हुए लेके जाना है। अगर आपके बालों की भी ऐसी क्वालिटी है तो आप कटिंग लेने के साथ साथ अपने बालों पे हेयर स्पा ज़रूर लें। तो देखिए ये जो कट करूँगी, ये हेयर आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजीनेस है बालों में और बहुत दो मुँहे हेयर हो चुके हैं। तो ऐसे हेयर को रखने का भी कोई मतलब नहीं होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हेयर ग्रोथ होने के बजाय वो और ज़्यादा टूटने लगता है और हेयर ख़राब भी दिखता है। तो कभी भी हेयर ऐसे में ना ग्रोथ नहीं होती है, तो ऐसे बालों को कट कर देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए गाइडलाइन के लिए थोड़े से हेयर को निकाली हूँ और बाकी जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको मैं सिक्योर कर दी हूँ। इसको भी एक साथ ऐसा उठा लेंगे, सेम वैसे ही 90 डिग्री एंगल पे लेके जाना है। अब मैं इनके बालों पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से थ्री स्टेप्स कट डाल रही हूँ। इससे क्या रहेगा कि इनके हेयर की क्वालिटी के हिसाब से ये स्टेप्स कट ज़्यादा सूट करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा मल्टी स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हेयर पे बहुत ज़्यादा जब हेयर सिल्की स्ट्रेट होता है तो उसमें आप जितना चाहें हैवी स्टेप्स डालें, लेकिन वेवी हेयर क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा हैवी स्टेप्स नहीं डाला जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा फूला फूला सा दिखेगा। तो थ्री स्टेप्स इनके हेयर क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट जाने वाला है। अब पूरे हेयर को एक तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे और ट्विस्ट करते हुए बराबर कट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में बराबर कट करके जिगजैग कर दी और ये हमारा जो स्टेप्स प्रोसेस था वो डन हो गया। देखिए इसमें यू कट का शेप भी दिख रहा है, लेकिन नीचे से जो एक शेप परफेक्ट दिखना चाहिए वो मुझे उतना क्लियर नहीं लग रहा है, तो उसको मैं और अच्छी फिनिशिंग दूंगी। तो ऐसे फिनिशिंग देने के लिए क्या करें, आप उसमें अलग से यू कट डाल दें। तो सेंटर पार्ट से हेयर को लें और बराबर कट करें, इससे ना हेयर बहुत ही अच्छा एकदम शेप में दिखेगा, हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी तब भी वो उसी शेप में बढ़ेगा, अनइवन सा नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेप्स कट करने के बाद नीचे से ऐसा कोई शेप नहीं देते, बट देना चाहिए, खास करके अगर आप केवल स्टेप्स कट ही डाल रहे हैं बैक साइड से तो ज़रूर करके दें। अगर आप उसमें एक बार लेयर वगैरह कुछ ऐड करते नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन सबसे सही तरीका होगा कि आप पहले पूरी कटिंग कर लें, उसके बाद बैक साइड में हेयर को ले जाके कोम करके चेक कर लें। अगर हेयर आपको लग रहा है कि नीचे से बहुत ही अनइवन शेप दिख रहा है, नीचे नीचे का एक अच्छी क्लियर लाइन नहीं दिख रही है, चाहे वो स्ट्रेट की हो, यू की हो या वी की हो, तो आप उसको इस तरीके से फिनिशिंग ज़रूर दें। तो ये कट हमारा हो गया है कम्प्लीट। तो जो शेप आया था बस उसी में मैं थोड़ा थोड़ा सा हेयर को ट्रिम करके जो हेयर लग रहा था अलग अलग सा उसको मैं निकाल दी और यहाँ पे ये कटिंग डन हो गया है। ये देखिए, तो अब कट होने के बाद देखिए एक अलग सा ही इसमें जो है फिनिशिंग दिखने लगा है। उसके बाद में ब्लो ड्राई कर देंगे और मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके बालों को क्लिप करके छोड़ दूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए और इजिली इनका हेयर सेट हो जाएगा। अगर आपको ये सेटिंग का फुल प्रोसेस सीखना है तो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आप देख लीजिएगा।
बहुत अच्छा रहता है। विदाउट ज़्यादा हीट के आप बहुत आसानी से बालों को एकदम बाउंसी ब्लो ड्राई करके दे सकते हैं। ये बहुत टाइम हो गया हेयर कट नहीं ली, बता रही थी कि मतलब लगभग 1 साल 1.5 साल हो गया मैं कट नहीं ली हूँ, इसी वजह से इनका हेयर बहुत ज़्यादा नीचे से ख़राब हो गया है। तो लेंथ बढ़ाने के चक्कर में आप लोग ऐसा मत सोचे कि कट ना लें, भले आप उसमें हल्का 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 ही कट लें, बट लें ज़रूर। इससे हेयर आपके अच्छे फ्रेश रहेंगे, डैमेज नहीं होंगे और ग्रोथ लेंथ दोनों बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस डन हो गया है और ये देखिए फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जितना भी नीचे से एकदम फ्रिजी फ्रिजी और डैमेज सा हेयर दिख रहा था, बहुत ज़्यादा दो मुहे हो गए थे, तो वो कट भी हो गया है और कितना प्यारा लुक निकल के आ गया है। अभी अपने बालों को जैसे चाहें वैसे स्टाइल करें, पोनी बनाएं या क्लच कर लें, हर तरीके से अच्छा लगेगा। पहले ये खुद भी बोल रही थी कि मैं बालों को ओपन करती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा दिखता है हेयर, क्योंकि वो बहुत नीचे से ख़राब हो चुके हैं। और कट लेने से क्या रहता है कि प्रॉब्लम तो ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन कटिंग के बाद जो लुक निकल के आता है ना वो बड़ा अमेजिंग होता है। अब देखिए क्लच करने पे कैसा दिखने वाला है ये। और जिनका भी ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हो रहा हो बालों पे, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप शैम्पू के साथ में ना मास्क जरूर अप्लाई किया करें। मास्क को खूब अच्छे से बालों में इमल्सिफाई करते हुए अप्लाई करें, फिर नॉर्मल वाटर से अच्छे से क्लीन कर लें। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड की हुई है। तो मास्क अलग अलग ब्रांड में मिलता है, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, बट मुझे लॉरियल का हेयर मास्क काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जो सिरी एक्सपर्ट का क्यों ने गोल्ड का रहता है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसी में आपको अलग अलग फ्लेवर का भी मिल जाएगा, जैसे स्कैल्प के लिए अलग से डैमेज हेयर है तो उसके लिए अलग से, सब अलग अलग रहता है। और 1000 रुपीज़ के अंदर में ही आपको मास्क का पैक मिल जाएगा, क्योंकि पहले 850 में आ जाता था, बट अभी उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है। और उसके साथ अगर आप मान लीजिए आपको नहीं आता है सब चीज़ें करने, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बालों पे हेयर स्पा लेना स्टार्ट करें। सब भी प्रॉब्लम्स का सबसे बढ़िया सोल्यूशन होता है हेयर स्पा। जैसे स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्लीन अप फेशियल लेते हैं, उसी तरीके से बालों की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें हेयर स्पा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसा लगा आज का ये हेयर कट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइस, कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।